हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 37 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 37 वीडियो में चैप्टर 7 के विविध प्रश्नावली पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2 + sin 2x और बाई में है आपका 1 + cos 2x इंटू में e टू द पावर x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। e टू द पावर x को पहले लिख लेता हूँ और यहाँ पर ऊपर 2 है, 2 ऐसे ही छोड़ देता हूँ और प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाता हूँ 2 sin x cos x और नीचे आपका 1 + cos 2x का हो जाएगा 2 cos² x और ब्रैकेट बंद करके आपका dx। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। चलिए अलग अलग डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 / 2 cos² x और प्लस में 2 sin x cos x और बटा में 2 cos² x और ब्रैकेट बंद करके dx। यहाँ देखो 2 से 2 कटेगा, 1 cos से 1 cos कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा। चलिए तो अब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू में, यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस में साइन बट्टा कॉस, यहाँ 10x हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर e टू द पावर x दिया हो और इंटू में उसका फंक्शन और प्लस में उसका डेरिवेटिव दिया हो तो इसके लिए इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर x इंटू में आपका वह फंक्शन और प्लस में c। तो यहाँ देख लीजिए 10 आपका एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, यानी कि e टू द पावर x इंटू में 10x और प्लस में c, इसका इंटीग्रेशन आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमें इंटीग्रेशन निकालना है x² + x + 1 का और y में दिया है x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू में आपका x + 2, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए तो ये इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा ना जी। तो चलिए मान लेंगे लेट x² + x + 1 और बाई में आपका दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में आपका x + 2 बराबर में a/x + 1 प्लस में b/x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में c/x + 2। ठीक है, चलिए तो अब इधर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² + x + 1 और बाई में आपका दिया है x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में आपका x + 2। इधर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू में आपका x + 2। इसमें से भाग करेंगे x + 1 और x + 2 बचेगा तो a जाके इंटू करेगा तो a × x + 1 × x + 2 प्लस इसमें से भाग करेंगे ये बचेगा जाके इंटू करेगा तो b × x + 2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब फिर देखो प्लस यहाँ पे इसमें भाग करेंगे ये जाके ऊपर गुणा कर जाएगा c × x + 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा और ये आपका नीचे वाला दोनों कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग अगर पुट करके डायरेक्ट बनाए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x बराबर में मैं मानता हूं यहाँ पर -1, तो -1 रखते हैं यहाँ 0, -1 रखते हैं ये 0, -1 रखेंगे तो यहाँ पे +1 यानी कि +b हो जाएगा और बी बराबर में -1 रखते हैं ये कट जाएगा और ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा अब यदि x बराबर में मैं -2 रख दूं तो -2 रखते हैं यह 0, -2 रखते हैं यह 0 और -2 रखूंगा तो -2 + 1 - 1 आएगा और -1 का स्क्वायर + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ सी आ जाएगा और -2 रखने पर -2 का स्क्वायर + 4 और ये -2 तो घटेगा तो आपका 2 और 2 = 3, यानी c का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। अब रही बात a के वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यदि x बराबर 0 रख दें तो यहाँ 0 रखने से 1, यहाँ 0 रखने से 2, तो 2 × 1 × a यानि कि 2a प्लस यहाँ पर देखो 0 रखेंगे तो यहाँ 2b हो जाएगा और प्लस 0 रखेंगे तो यहाँ पे c आएगा बराबर में, 0 रखेंगे तो बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा। चलिए b और c का वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 2a प्लस में 2, b के जगह पे 1 और c के जगह पर 3। चलिए तो 2a ये कितना हो जाएगा 2, 3, 5 और 5 जाके उधर घट जाएगा, यानी 2a बराबर में -4, a बराबर में -2 आ जाएगा, a बराबर में माइनस का
टू आ जाएगा। तो हमने ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकाल लिया, तो इसी को हम लोग अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन और बटा में है आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इंटू में है एक्स प्लस टू डी एक्स बराबर में इंटीग्रेशन ए बटा में एक्स प्लस वन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी बटा में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स और प्लस में सी बटा में एक्स प्लस टू डी एक्स। चलिए ए बी सी का वैल्यू यहां पर रखते हैं। तो ए का वैल्यू है माइनस टू, वन बटा में एक्स प्लस वन बचेगा। बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू यहां पर देखो क्या है, बी का वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले थे, बी का वैल्यू है वन, तो बी का वैल्यू वन, तो वन बटा में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स और सी का वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स प्लस टू डी एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन और ये माइनस का वन बाई एक्स प्लस वन, वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स होता है ना जी, प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस टू और प्लस में सी, यहां से यह इंटीग्रेशन निकल के आ गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, 23 नंबर इंटीग्रेशन निकालना है टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स और बाई में वन प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा एक्स के जगह पर कॉस थीटा, एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे कॉस थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा dx बटा में d थीटा बराबर में माइनस का साइन थीटा, यानी कि dx बराबर में आ जाएगा माइनस का साइन थीटा d थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहां से थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हो कॉस इनवर्स एक्स, जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे उसे। टेन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका वन प्लस कॉस थीटा, dx से जगह आ जाएगा माइनस का साइन थीटा d थीटा, यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स अंदर देखिए क्या हो जाएगा रूट अंडर, यहां हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और नीचे हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू और ये माइनस जो है ना बाहर लगा सकते हैं, बच जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन देंगे फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स यहां देखो टू से टू कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा अंदर टेन स्क्वायर थीटा बाई टू और बाहर है आपका साइन थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहां पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स यहां पर हो जाएगा टेन थीटा बाई टू इंटू में आपका साइन थीटा डी थीटा, टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो थीटा बाई टू बचेगा, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं बाहर कर लेता हूं, बच जाएगा थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा, तो इसको यू इंटू वी पे इंटीग्रेट करेंगे ना जी। चलिए तो आई लेट वाले मेथड पे ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, पहले एलजेब्रा आता है, यानी कि यह यू है और यह भी है। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, देख रहे हैं ना जी, माइनस फिर आपका इंटीग्रेशन देखे डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा को थीटा के ही रेस्पेक्ट में, फिर माइनस सॉरी इंटू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर इस पे डी थीटा लगाकर और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, माइनस वन बाई टू, यहां देखिए अंदर क्या होगा साइन थीटा का माइनस का कॉस होता है, माइनस का कॉस होता है, ये होता है ना जी, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइनस का थीटा कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन और साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। चलिए तो माइनस का वन बाई टू ब्रैकेट में माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, समझ गए। अब देखिए ये माइनस अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वन बाई टू अंदर हो जाएगा आपका थीटा, कॉस थीटा का तो वैल्यू हमारे पास है ही, ठीक है, और यहां पर प्लस में आपका साइन थीटा है, तो इसे कॉस में बदल लो, रूट अंडर वन माइनस, देखो यहां माइनस इंटू किया तो यहां भी साइन बदलेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया है, यहां भी साइन बदलेगा ना, ये माइनस इंटू करेगा तो यहां तो प्लस हो गया, माइनस होगा ना, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू रख देते हैं और प्लस में मैं कॉन्स्टेंट अब सी भी ले सकता हूं यहां पर,
चलिए तो रूट अंडर वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या था, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स और कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स और आपका कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स, ठीक है, माइनस रूट अंडर वन माइनस इसके कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और फिर ये आपका ब्रैकेट बंद करके और प्लस में सी, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हमें इंटीग्रेशन निकालना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ब्रैकेट में दिया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू लॉग एक्स और बाई में है आपका एक्स का पावर फोर dx। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे देखिए, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं, वन बाई एक्स का पावर फोर लिख देता हूं और रूट अंडर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है, इसको मैंने यहां लिख दिया और फिर यहां पर log x स्क्वायर प्लस वन और ये पावर में ऊपर चढ़ जाएगा तो माइनस का log x स्क्वायर हो जाएगा dx। अब मैं क्या करता हूं यहां पे 1 बाई एक्स क्यूब लेता हूं और एक x को इसके रूट के अंदर ले जाऊंगा तो अंदर जाके वो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, चलिए ये x एक अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, पता है ना रूट के अंदर जाता है तो, और ये माइनस में तो यहां भाग में चला जाएगा ना जी, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला स्टेप देखिए, इसके बाद मैं यहां पर अब क्या करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्यूब, यहां अंदर अंदर डिवाइड करेंगे तो यहां वन हो जाएगा और प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग, यहां भी अंदर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वन प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं यहां पुट कर दूंगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी और इसे अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां देखो ये अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूं तो ये वन प्लस एक्स का पावर माइनस टू हो जाएगा ना, ये पावर ऊपर चढ़ेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो इसका जीरो हो जाएगा, इसका पावर नीचे उतरेगा और पावर में से एक घटाएंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा जो कि नीचे आके प्लस का थ्री हो जाएगा एक्स का पावर और बराबर में डी टी बटा में डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर आपका dx और नीचे आपका x क्यूब लेंगे जो कॉन्स्टेंट है इधर लाएंगे माइनस टू जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स जो है आपका माइनस का dt बटा में टू है, माइनस का dt बटा में टू है और यहाँ रूट अंडर यह क्या हो जाएगा t और यहाँ हो जाएगा log t, ये जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल देते हैं, बचेगा आपका रूट टी लॉग टी डी टी, यही ना, तो वही आइलेट वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो ये लॉगरिथम पहले आ रहा है, एलजेब्रा बाद में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो पहले यहां पे यू आपका लॉग टी होगा, यह भी होगा माइनस वन बाई टू, इंटीग्रेशन करेंगे लॉग टी इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी, ठीक है, इसको टी का पावर वन बाई टू कर सकते हैं माइनस फिर आपका इंटीग्रेशन देंगे डेरिवेटिव लिखेंगे किसका लॉग टी का किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में और फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसका आपका रूट टी का टी के रेस्पेक्ट में और फिर ब्रैकेट बंद करके डी टी और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं, माइनस वन बाई टू अंदर देखो इसमें पावर में वन बाई टू है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको रूट हटाएंगे तो पावर में वन बाई टू, तो टी का पावर वन बाई टू का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक जोड़ेंगे थ्री बाई टू हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर लॉग टी इंटू में टी का पावर थ्री बाई टू और बटा में थ्री बाई टू माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा वन बाई टी और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टी का पावर थ्री बाई टू बटा थ्री बाई टू डी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर ये पलटेगा टू बाई थ्री टी का पावर थ्री बाई टू लॉग टी माइनस यहां पे देखिए ये भी पलटेगा टू बाई थ्री हो जाएगा और ये पावर घटेगा ना जी तो टी का पावर यहां आ जाएगा वन बाई टू डी टी, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस वन बाई टू यहां ठीक है टू बाई थ्री टी का पावर थ्री बाई टू लॉग टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहां भी वही पावर में एक जुटेगा और पावर नीचे उतार देंगे, ठीक है, ब्रैकेट बंद करके और प्लस सी यहां ले सकते हैं। तो देखो ना यहाँ पे टू बाई थ्री भी कॉमन हो सकता है
2 बाई थ्री और t का पावर 3 बाई टू कॉमन हो सकता है। तो देखो माइनस वन बाई टू, टू बाई थ्री, टी का पावर 3 बाई टू निकालेंगे तो अंदर बचेगा log t और माइनस का ये पलट के 2 बाई थ्री हो जाएगा और प्लस में c, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अगले स्टेप में, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस वन बाई थ्री टी का पावर 3 बाई टू ब्रैकेट के अंदर log t माइनस का 2 बाई थ्री और प्लस में आपका c। अब वापस से हम लोग यहाँ t का वैल्यू रख देते हैं, जो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर था ना जी, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर उसी को हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो फाइनली आपका माइनस 1 बाई थ्री 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई टू और फिर ब्रैकेट में log 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर t का वैल्यू और माइनस का 2 बाई थ्री ब्रैकेट बंद करके प्लस में सी, यह आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 से 33 तक के प्रश्नों को निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करें, यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रल दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, दिया है आपका यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होना चाहिए ना, नहीं ठीक है पाई बाई टू दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लिमिट पाई बाई टू है और अपर लिमिट आपका पाई है। ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन एक्स और बाई में है आपका 1 माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना। बाहर आपका ई टू द पावर एक्स देते ही आपको पता है कौन सा फॉर्मूला का यहाँ यूज करने वाले हम लोग, तो चलिए इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ई टू द पावर एक्स, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर मैं फॉर्मूला यहाँ सेट करूंगा, यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट बंद करते हैं dx। अब अलग अलग यहां से डिवाइड देने का काम करते हैं, पाई बाई टू से पाई लिमिट दिया है ना, और फिर आपका e टू द पावर x ब्रैकेट में अलग अलग भाग करेंगे 1 बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू और बटा में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ब्रैकेट बंद करते हैं और यहाँ पे dx, 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई टू से पाई बाहर, सॉरी माइनस मैंने गलती से ले लिया, चलिए e टू द पावर x अंदर देखिए यहाँ पर 1 बाई टू ये साइन जो है ऊपर जाके कॉसेक हो जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का यहाँ कॉस बट्टा साइन कॉट हो जाएगा ना, कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। अगर मैं कॉट एक्स बाई टू लू माइनस का कॉट एक्स टू लू है ना, एफ एक्स मान लू इसे, माइनस का कॉट एक्स बाई टू को एफ एक्स मानू, तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का है तो यहाँ माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू, यानी कि 1 बाई टू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू आ जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, यानी यहां पे लिख सकते हैं इसे e टू द पावर x इनटू में माइनस का कॉट एक्स बाई टू और लिमिट आपका जो है वो हो जाएगा इसके ऊपर लगा देंगे पाई बाई टू से पाई। ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहां पर, ठीक है चलिए पाई पुट करते हैं, तो e टू द पावर पाई माइनस इनटू में है माइनस का कॉट पाई बाई टू, ठीक है फिर माइनस e टू द पावर पाई बाई टू इनटू माइनस कॉट पाई बाई टू और पहले से एक टू है, ठीक है चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो कॉट पाई बाई टू यानी कॉट 90 के वैल्यू की बात करें तो वो जीरो होता है, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ e टू द पावर पाई बाई टू और यहां पर कॉट पाई बाई फोर, यहाँ पाई बाई फोर है तो कॉट पाई बाई फोर का वैल्यू होता है 1, यानी ये यहां से आंसर आ जाएगा e टू द पावर पाई बाई टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट दिया है 0 टू पाई बाई फोर और फंक्शन है आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई में दिया है कॉस का पावर 4x प्लस में साइन का पावर 4x dx। चलिए अब इसमें थोड़ा सा सुधार करना होगा, 0 टू पाई बाई फोर दिया है यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स और बाई में जो दिया है ना, यहाँ से मैं कॉस का पावर 4x कॉमन कर लेने वाला हूँ, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन का पावर 4x और बटा में कॉस का पावर 4x dx। ठीक है देख लो आप, अगर इसमें गुना करोगे तो यही आ जाएगा ना,
चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 0 टू पाई बाई 4 लिमिट है आपका। मैं क्या करता हूं, यहां एक कॉस एक कॉस कट जाएगा तो ऊपर आपका साइन एक्स बचेगा और नीचे यहां पर कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा और इनटू में 1 प्लस यहां टेन का पावर 4x dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, 0 टू पाई बाई 4 मैं यहां से कॉस एक्स को एक इसके साथ भाग कर देता हूं तो टेन हो जाएगा और दो को कॉस बचेगा तो वो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका है 1 प्लस यहां टेन का पावर 4x है, मैं यहां कर देता हूं टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए अब इसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पर पुट कर दूं tan स्क्वायर x को t, तो यहां से इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2 tan x इनटू में tan का sec स्क्वायर x बराबर में dt बटा में dx। 2 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो tan x इनटू में sec स्क्वायर x dx बराबर में dt बटा में 2 हो जाएगा। अब लिमिट में भी यहीं पे चेंज कर देते हैं। चलिए तो यहां पे लिमिट में हम लोग चेंज कर लेते हैं, व्हेन x बराबर में 0 तो यहां t बराबर में हो जाएगा tan स्क्वायर 0, tan स्क्वायर 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। व्हेन x बराबर में पाई बाई 4 है, अपर लिमिट यहां पे पाई बाई 4 है तो क्या हो जाएगा, यहां पे t बराबर में tan स्क्वायर पाई बाई 4 तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो लिमिट में चेंज हो गया 0 टू 1 हो गया और यहां पर इसके जगह इस टोटल के जगह आ जाएगा dt बाई 2, tan sec स्क्वायर x dx की जगह dt बाई 2 आ जाएगा और यहां 1 बटा में 1 प्लस यहां क्या आ जाएगा t आ जाएगा t स्क्वायर। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा 0 टू 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाई टी 1 बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो यहां अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका 1 बाई 2, इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स t और प्लस सॉरी tan इनवर्स t और लिमिट आपका है, लिमिट आपका है 0 टू 1। चलिए 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है और यहां पर ये 0 यानी कि पाई बाई 8 यहां से आंसर आ जाएगा। समझ गए, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है, लिमिट दिया आपका 0 से पाई बाई 2 और यहां पर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और बाई में है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करते हैं सबको कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स और बटा में है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 4 इस साइन स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, देखा ना सबको कॉस में मैंने बदल दिया। 0 से पाई बाई 2 आपका है ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझ गए, मैं एक काम करता हूं अब नीचे सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 से पाई बाई 2 ऊपर आपका कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे जो होगा 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ऊपर और नीचे सेम लाने के लिए मैं 3 से भाग और 3 से गुना करता हूं 3 कॉस स्क्वायर एक्स या फिर माइनस 3 से भाग और माइनस 3 से गुना करता हूं क्योंकि नीचे माइनस में है और बटा में आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी। चलिए अगले स्टेप में देखिए, 4 जोड़ के 4 घटाते हैं माइनस 1 बाई 3 लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2 4 जोड़ते हैं और 4 घटा लेते हैं। ठीक है, और नीचे है आपका 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग डिवाइड करते हैं देखते हैं क्या होता है। माइनस 1 बाई 3 लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा 1 इसमें से भाग करेंगे तो 1 और माइनस का 4 बटा में 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाई 2 लिमिट है और यहाँ आ जाएगा आपका 1 dx माइनस माइनस प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 बाई 3, समझ गए ना 4 बाई 3। ठीक है, ये 4 इसके साथ ले लेते हैं और लिमिट है आपका 0 से पाई बाई 2 1 बटा में 4 माइनस 3
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं, वन का एक्स हो जाएगा और लिमिट आपका है जीरो से पाई बाई टू प्लस फोर बाई थ्री, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू वन बाई फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स है ना जी। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, ये इसे मैं ना सेक में बदल देता हूँ, ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स, तो इसका पुट करेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा, यानी माइनस का पाई बाई सिक्स हो जाएगा, वन बाई थ्री से गुना होगा तो, और प्लस में फोर बाई थ्री लिमिट है आपका जीरो से पाई बाई टू, नीचे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर हो जाएगा फोर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री डी एक्स, ये सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना आपका, चलिए माइनस पाई बाई सिक्स प्लस का फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से पाई बाई टू, ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स और नीचे आपका हो जाएगा फोर सेक स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री डी एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस में फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू लिमिट है और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, नीचे मैं टेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का थ्री डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस पाई बाई सिक्स माइनस का सॉरी प्लस का फोर बाई थ्री लिमिट है आपका जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स और नीचे देखो क्या होगा, इसमें इंटू होगा तो फोर और इसमें इंटू होगा तो फोर टेन स्क्वायर एक्स, तो फोर में से थ्री घटेगा तो आप वन लिख दो और प्लस में फोर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यही ना हो जाएगा, यही नाम लो लेंगे। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, चलिए अब एक काम करते हैं, इसे माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस में टू बाई थ्री रख देते हैं और ये दो अंदर एक गुणा कर देते हैं, जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स के साथ मैं दो यहां दे देता हूं क्योंकि मैंने यहां चार की जगह दो लिखा है और नीचे मैं वन प्लस टू टेन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस टू बाई थ्री, अब देखो यहाँ पे अब इसमें पुट करना होगा, साइड में पुट कर लेते हैं, टू टेन एक्स को टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, ठीक है। अब लिमिट में भी थोड़ा यहां चेंज कर लेते हैं, वेन वेन एक्स बराबर में जीरो तो टी बराबर में हो जाएगा टू टेन जीरो, यानी कि जीरो आ जाएगा, वेन एक्स बराबर में होगा पाई बाई टू तो टी बराबर में हो जाएगा टू टेन पाई बाई टू, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, टेन पाई टेन नाइनटी अपरिभाषित होता है, यानी कि लिमिट हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी और ऊपर आ जाएगा आपका डी टी और नीचे हो जाएगा वन प्लस में टी स्क्वायर, वन प्लस में टी स्क्वायर, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ माइनस पाई बाई सिक्स प्लस में टू बाई थ्री, यहाँ हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टी और जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई सिक्स प्लस में टू बाई थ्री ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस का टेन इनवर्स जीरो। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस में टू बाई थ्री, यहाँ ये तो पाई बाई टू हो जाएगा ना जी, टेन इन्फिनिटी का टेन इनवर्स इन्फिनिटी का और यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का पाई बाई सिक्स और प्लस में पाई बाई थ्री, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, पाई बाई सिक्स फिर से यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वेबसाइट पे, वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को डाउनलोड भी कर सकते हैं।